क्या आप मुंब्रा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाईनगर का एरोली ब्रिज हो गया या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ें आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। क्यों नहीं नहीं क्यों नीचे करेंगे? जरा बंद कर दे, इसमें बात क्यों करो? आप बात करो या ना करो उससे क्या करूँ? आप नीचे कर देंगे तो मैं बात करूंगा, आप बात करेंगे तो बात नहीं करो। अच्छा, अरे कुछ अलग बात कर रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, चलिए आपसे बोलो। नहीं नहीं, जाने तो पहले काम की बात होनी चाहिए अपने को। और नहीं भी करोगे तो भी फ्राइड नहीं, बंद नहीं करूंगा मैं, जाने दो ना। एक मिनट, एक बंद करो, आप इसको पहले बंद कर दीजिए। मैं क्यों बंद करूं, लेकिन वजह क्या वो तो बताओ। नहीं जान दो, रुकिए थोड़ा, काम की बात होनी चाहिए। हजरत नहीं, आप हजरत बंद कर दीजिए थोड़ा। अरे आप रुकिए, हमको सिर्फ दो दो सवाल पूछने हैं आपसे, सुनिए ना। आप ऑफिस आइए ना, ऑफिस में आगे बढ़ते हैं। सुनिए, ये तरीका नहीं है, मैं आपको बंद कर रहा हूं। एक मिनट कर रहा हूं ना, परवेश भाई थोड़ा सा थोड़ा, लेकिन रीजन बता दीजिए ना क्यों बंद कर रहे हैं। आप चालू रखो, नहीं चालू रखो, रीजन होगा सर क्या? ठीक है, आप मानपा अधिकारी हैं तो आप नहीं जाओगे करवा रहे हैं ना, आप यहीं रहोगे, आप पहले काम पड़ाओ। एक रीजन ऐसा बताओ जिसकी वजह से आप बंद कर सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकता हूं? अरे हम लोग अभी पब्लिक आके रोक सकती है आपको, फिर आप क्या करोगे सर? अच्छा सुनिए सुनिए, मैं क्या बोल रही हूँ सर। अच्छा एक मिनट, हमारे सिर्फ सवालों का जवाब दे दो, उसके बाद अभी तत्कालीन रूप में अभी अर्जेंट आप क्या सुविधा दे रहे हो बताइए, क्योंकि 200 फैमिली जो है वो वॉशरूम जानी, ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि आप 4-5 दिन होल्ड पे रख सकते हो। वॉशरूम की जरूरत तो दिन में 4 बार पड़ती है हर इंसान को, और हर घर में कम से कम 5-5 व्यक्ति तो होंगे, तो बताइए वो लोग कैसे यूज करेंगे ये बताइए। क्या जंगल पे जाना, पहाड़ों पे जाना उनके लिए सेफ है? मैं टेम्परेरी टॉयलेट बना के दे दूँ। कितने टाइम में? साहब लोगों से बात करता हूँ, मेरे ऑफिसर से 3-4 दिन में बना के दे। 3-4 दिन तक का क्या करें? आपने बोला कि यहाँ पे चरसी गर्दुल्ले रात में आके बैठते हैं, करेक्ट है? वो औरतों का कहना है कि अगर हम लोग को शाम में टॉयलेट जाना है तो हम लोग वहाँ जंगल में अगर टॉयलेट जाएंगे तो वहाँ पे दारू पी के लोग इंतजार करते हैं। मैं साइड में बना के दिया, पूरा बना के दिया। अगर किसी की इज्जत अगर आपके पास है ना सर, तो फिर बना के दे रहे। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ सर, वो पोर्टेबल वॉशरूम जो होते ना, टॉयलेट होते ना, फिलहाल वो इंस्टॉल कीजिए या तो किसी भी तरीके से। मेरे पास नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ, रहेगा तो फिलहाल। हम पूरे मुंब्रा में 4-5 जगह पे इंस्टॉल करके रखे, वो अपनी वहाँ से उठवा के हम लोग आते हैं, क्या करेंगे वहाँ से उठवा के हम यहाँ रखवा देंगे। मैडम मेरी बात सुनिए, अगर इधर स्पेयर में पड़ा हुआ रहेगा तो मैं उठवा के लगा देता हूँ। सर जितने यहाँ पे शौचालय है ना, सबके सब है ना रख दिए गए, लेकिन हाँ, यूज में नहीं, यूज में नहीं है। तो जो यूज में नहीं आ रहे वो तो यहाँ रख सकते हैं, वो तो रख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ सर, जाकर निकालता हूँ, जो करेगा तो लगवा देगा। लेकिन इसका क्या, इसका अंजुम अहमद डेप्यूटी इंजीनियर सर, मुंब्रा कौसा में करीब 12-13 शौचालय से तोड़ दिए गए, क्या वजह थी तोड़े वो मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं पता। पर ये शायद देना हॉस्पिटल के लिए आप लोग जहाँ पर ये बनाने के लिए बात कर रहे हैं दवाखाना, बाजू में इतना बड़ा नाला बन रहा है, कैसे दवाखाना चलेगा? नाला इतना बड़ा, गंदगी कितनी है और वहाँ पर दवाखाना। एक आरोग्य केंद्र ऑलरेडी शिवाजी नगर में बोलने का हालत है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अच्छा, आप जो पुलिस, आप जो अधिकारी उनसे, वो मेडिकल अधिकारी से बात करिए सर। एक और सवाल, ये जो आरोग्य केंद्र आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, करके दे रहा हूँ मेडिकल की बात, तो वर्क ऑर्डर आपका, तो ऑर्डर आपको ऑर्डर तो मिला, बस हो गया, बस हो गया। अभी मैं साहब को जवाब नहीं दूंगा आपकी बात, मैं आपसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इनसे बात करने के लिए। वो पत्रकार है, मुझे 2 दिन, मुझे 3 दिन से, मुझे 3 से फरहत मैडम का और अमीन भाई को उनका फोन आ रहा था, मैं उनके लिए इधर आया हूँ, ठीक है? मैं आपके लिए, मैं तो आपके लिए आया हूं, पत्रकार है वो, अपनी आपको बुलाया किसने? मैंने नहीं बुलाया आपको, नहीं नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। कैसे ना, हमारे यहाँ के पत्रकार भी ना जिम्मेदार है, वो लोग ऐसे ऐसे इशू को हाईलाइट करते हैं, इसलिए वो यहाँ पर कवर करने के लिए आए हैं। ऑर्डर कॉपी आपके पास है क्या, मुझे ये बताइए? वर्क ऑर्डर है, तोड़ने का ऑर्डर है आपके पास, आरोग्य केंद्र डालने का यहाँ पर ऑर्डर आया है। अच्छा, तो उसके बाद कैसा काम चालू होगा? नहीं, यहाँ पर ऐसा होता है सर, यहाँ पर ऐसा होता है, बिना वर्क ऑर्डर के ये बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? यहाँ पर ऐसा होता है, इसलिए हम लोग वर्क ऑर्डर की मांग कर रहे हैं आपसे। यहाँ क्या होता है उससे ज्यादा मैं पहचानता हूँ, मैं 10 साल से यहाँ पर, हम लोग यहाँ की पैदाइश, यहाँ की पैदाइश 30 साल से मिले, पैदाइश 30 साल से, मेरी उम्र 30 साल। मुझे उस लफड़े में नहीं पढ़ना है, पब्लिक के अच्छे काम तो हमें भी इस लफड़े में नहीं पढ़ना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सुबह में 3 घंटा, शाम में 3 घंटा MBBS के डॉक्टर आके बैठेंगे, और ये जो यहाँ के लोग लोकल। सर आपको एक सच्चाई बताओ, यहाँ की सच्चाई बताओ, मेरी बात आप सुन लीजिए, आप सच्चाई आपकी बात में बताइए। उन लोगों की सुविधा के लिए ये दिन में 2 टाइम में दवाखाना चले, बनने दो, अच्छी बात है सर, बनने दीजिए, बनाइए।
हम वही कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक का भरा हो जाए। हम खुद सपोर्ट करेंगे आपको अगर कुछ लगेगा, लेकिन जो अभी ये कमियां है उसके लिए आप जो है वो जल्द से जल्द में कर चाहिए तो मैं आपको लेके जाती हूं। स्पेयर में नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है। स्पेयर में कह रहा तो मैं लगवा देता हूं। ठीक है सर, अगर यहां पे आरोग्य केंद्र आप लोग इसी तरह का जागरूक रहेंगे ना तो हम लोगों को भी काम करने को बिजी हो जाएगा। सर बहुत जागरूक थे, यहां पे आरोग्य केंद्र बनता है। मुझे इस बात का दुख नहीं है, करते लोगों के कि भाई काम करवाने दे, काम बस काम हो पब्लिक का। आरोग्य केंद्र अगर बनता तो ये जो नाले हैं, जो कचरे हैं, ये जो नाला वगैरह पैक करके मिलेगा, मतलब नाला पैक मिलेगा, वो अलग से आप देखिए उसके अंदर कैसे रिपेयर करेंगे इसको, वॉशरूम बना कर देंगे, नया वॉशरूम साइड में बना के दे देता हूँ, नया बना के देंगे 3-4 दिन। और अगर अगर मेरे पास इस पेयर में पड़ा हुआ रहा ना तो वो भी मैं यहाँ पे लगा कितने कितने लगा के, लेकिन ये पड़ा हो आप लोग बोले बना देंगे, वहाँ दवा खाना बनेगा बाजू में ही सार्वजनिक शौचालय, फिर क्या होगा 2 दिन के बाद वो हटा देंगे, बदबू आ रही है वहाँ रहेगा ही नहीं ना, पोर्टेबल तो खाली टेम्पररी रख के चले जाएंगे, हटा देंगे आरोग्य केंद्र बन गए। इस्लामुद्दीन भाई आगे नहीं तो आवाम को क्या चाहिए, पूरा तोड़ के पूरी वार्ड लगा, रसीद नाम है मेरा, हम लोग को है ना दवा खाना नहीं चाहिए, हम लोग को बाथरूम ही चाहिए इधर, बस हम लोग को बस जैसा था बाथरूम वैसी बाथरूम हम लोग को चाहिए, हम लोग को बोल के गए के बाथरूम ही रहेगा, बाथरूम मतलब बाथरूम की जगह में कोई दवा खाना नहीं बनेगा, जगह है वो भी ऑब्जेक्शन है, उसको दवा खाना नहीं मांगता जगह पे, उसको सिर्फ बाथरूम ही चाहिए, जिसकी प्राइवेट पर्सनल जगह है, जिसका 7-12 है, जिसकी जगह हम लोग तो 20-25 साल से इधर ही है, पब्लिक यहाँ पे जो 100-200 फैमिलीज है उनको यहाँ पे टॉयलेट चाहिए, यहाँ पे आरोग्य केंद्र नहीं चाहिए। अगर 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 मैं 100-200 लोगों की साइन करवा कर लेकर आऊँ, बोलेंगे बोलो टॉयलेट चाहिए हमको, आरोग्य केंद्र नहीं चाहिए, तो फिर सर यहाँ जो दूसरी जगह बहुत ज्यादा मैदान पड़ा है, लेकिन खरीद के बनाओ ना, सुबह फ्री नहीं, हमारे को दवा खाना ये जगह पे नहीं चाहिए, गंदगी में हम लोग को दवा खाना नहीं चाहिए, दवा खाना बनाना है आपको जगह लेके दूसरी जगह बनाओ, हम लोग को टॉयलेट है टॉयलेट ही चाहिए, एक बिल्डिंग बन सकती है इतनी बड़ी जगह, हम लोग कहना आज 15 दिन होने आ रहे हैं, बहुत बांधे हो रहे हैं भाई, 15 दिन हो गए ले, औरत जात पहाड़ के ऊपर जा रही है, हम लोग आदमी जात तो किधर भी जा सकता है, हम लोग को 15 दिन से हम लोग को ऐसा तोड़ के रख दिया, कुछ बोले नहीं कुछ भी नहीं, मतलब इसके हम लोग चूतिया है क्या इधर, हाँ बोलते हैं बाथरूम बनाए वो दवा खाना बनाएंगे, शौचालय की ज्यादा जरूरत है ना यहाँ पे, सर शौचालय चाहिए हम लोग, यहाँ की टॉयलेट यहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, हमको टॉयलेट चाहिए, हमको केंद्र ने आरोग्य केंद्र नहीं चाहिए, हम ना नहीं बोल रहे, हम क्या बोले आप बनाइए आरोग्य केंद्र, कैसा होगा आप इनकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करेंगे ना तो फिर आरोग्य केंद्र के लिए भी ये अगर जगह सरकार से मिली है लेकिन ये प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं ये पेपर बताएंगे क्योंकि ना ये प्राइवेट अनवर सेठ की प्राइवेट जमीन है ना, ये जो जगह लोकेटेड है ना सर, मुझे नहीं लगता यहाँ पर आरोग्य केंद्र बनना सही है, क्योंकि ये जगह अनवर सेठ ने मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर, सुनिए ना आज सुबह का माहौल ये था, हमें समझ में आ रही है जगह आरोग्य केंद्र सही नहीं है, आज सुबह का माहौल ये था कि यहाँ पे लोग इसी कंडीशन में टॉयलेट करके गए, अगर आप अंदर देख के आएंगे तो ये भाई ने साफ सफाई करवाया, उन्होंने साफ भी करवाया बुलाकर किसी को, तो ऐसा ना हो सर, कैसे कि पब्लिक की मांग है कि यहाँ पे आरोग्य केंद्र की जरूरत नहीं है, उनको यहाँ शौचालय चाहिए, आपको और कहीं जगह पे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है गुजारिश है कि यहाँ शौचालय रहने दो, आप ना फर्दर ये प्रोसेस कर सकते हैं कि आप उनको बोलिए, आप उनको ये बोलिए कि यहाँ के लोग इसके लिए रेडी, हम लोग कोई और जगह देख सकते हैं क्या, फिलहाल ऑल्टरनेट सोल्यूशन हम ये कर सकते हैं, आप आगे बात कीजिए, यहाँ पर नहीं हो सकता है, मैं देखता हूँ अभी आगे, अभी देखो डिसीजन लेना मेरे हाथ में, काम कराना मेरे हाथ में, वो काम कराने के लिए मैंने काम शुरू कराया था, आप लोग का ये प्रॉब्लम है तो मैं आगे बात करता हूँ, बस मैं भी बात करो, डिसीजन होगा केंद्र के लिए तैयार नहीं है, जो डिसीजन होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
ठीक है, उसके बाद आपको नॉलेज केंद्र का क्या क्या करना है, कैसे ना सर, थोड़ा तत्कालीन बेसिस पे इसको रिपेयर कर लेते हैं ना हम लोग। नहीं, वो अभी रिपेयर बोलता है, टेंपरेचर टॉलरेंस को देता हूं, करेगा तो लाके लगा देता हूं। नहीं तो आप लोग नहीं कर सकते तो वो भी बता दो, हम खुद भी कर लेंगे सर, ऐसी कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, आप खुद मत करिए, हम खुद भी रिपेयर कर सकते हैं उसको, ऐसा कोई मसला नहीं है, हम खुद करके देंगे, आप मत करिए। नहीं तो आप चार बाथरूम रख देंगे एक ही बात कर रहे हो, आप उसको रिपेयर करके दे दो, आप नहीं कर सकते तो बताओ, खुद कर लेंगे। पोर्टेबल नहीं, आप उसको रिपेयर करके देखिए, अपन देखते आगे आरोग्य केंद्र क्या है, ऐसे भी आरोग्य केंद्र देखा मैंने तो दो रूम में हुए। सर सुनिए ना सर, एक 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 फाइनल चीज, इसको जो तोड़ा गया है ना, इसको आप रिपेयर करके दे दो, आगे का जो प्रोसेस है वो आगे देख लेंगे। पोर्टेबल मत लाइए आप, इसको आप तत्कालीन बेस पे बना के दे दीजिए। क्यों, उसकी वजह क्या, पब्लिक की जरूरत है कि आपने किया है का? ऐसा नहीं कि कल सुबह जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को, और यहाँ पे औरतें महिलाएं ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है सर, किसको किस चीज की जरूरत है, आप लोगों की जरूरत को समझो सर, यहाँ पे औरतों की और बच्चों की जरूरतें ज्यादा है। अगर ये चीज होगी तो ऐसे ही बवाल होगा, अगर प्रॉपर सर्वे लिया होता है ना, आपका नहीं काम है, लेकिन जिसको सर्वे करना चाहिए था ना, उससे गलती हुई है, चाहे वो फिर यहाँ के जो एक्स नगर सेवक है उनसे ये गलती हुई, क्योंकि उन लोगों ने ही करवाया। मैंने पॉलिटिकल लोगों ने धमकी दिया आके यहाँ पे लोगों को कि तू मेरा नगर सेवक नहीं है, निकल यहाँ से, सॉरी मैं तुम्हारा नगर सेवक नहीं हूँ, ऐसा बोल के लोगों को गाली दे के भगाया है लोगों ने यहाँ से। फिलहाल सर किसी को भेज कर जो है इसको रिपेयर करवाने काम कीजिए, और वहाँ पर आप आगे बात कीजिए कि यहाँ के लोग रेडी नहीं है यहाँ पर आरोग्य केंद्र के लिए, फिर वो अपने आप ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकल आएगा सर, ये इतना तो हम भी जानते हैं, इतना तो हम भी जानते हैं। पत्रकारों को कुछ सवाल करने होंगे, मैं यहाँ पे भाई देखने लेकिन पॉल्यूशन देखे जाओगे, आप होटल में होगा ऊपर वालों से इजाज़त देनी पड़ेगी, एक आपकी जो कंडीशन ऊपर पहुँचा तो इजाज़त देता हूँ आपको, दो दिन के अंदर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के। नहीं चलेगा, आज वैसे भी वेडनेसडे है, थ्री वर्किंग डेज और है अपने पास, तो इंशाल्लाह सर कर लेंगे। लेकिन जिस पब्लिक के लिए आपको करना है ना, वो पब्लिक को ही नहीं चाहिए ना सर, आप यही बात को समझ नहीं रहे हो। 25 आदमी बोलेंगे नहीं चाहिए, और 200 आदमी आके बोल देंगे आपको नहीं चाहिए, 25 आदमी बोलेंगे नहीं चाहिए, 200 आदमी बोलेंगे चाहिए, तो हमको फिर चाहिए वालों का साथ दे रहा हूँ। लेकिन सर आप यहाँ पर देख के समझो, कोई बात नहीं, हम लोग है ना, एक हम लोग सर्वे कर लेते हैं। अच्छा चलो, इसी बात पे सर्वे कर लेते हैं। हाँ, इसी बात पे ना, 100 यहाँ पर जितनी फैमिलीज रहती है ना, सारी फैमिली जिम्मेदारी मेरी, वो हाँ ये वो लोग बोलेंगे कि हमको टॉयलेट चाहिए, तो उनकी जिम्मेदारी, उनकी सिग्नेचर लाने की जिम्मेदारी मेरी, फिर आप बोलोगे 100 लोग नहीं किए, लेकिन टॉयलेट रोज जाना पड़ता है। हाँ। आप समझिए, आप टॉयलेट भी बनाइए और क्लिनिक भी बनाइए, हम ऐसा आपकी मांग रख रहे हैं। नहीं नहीं, क्लिनिक के लिए जगह बहुत है, ये क्लिनिक के लिए मुमरा में वही टुकड़े में बहुत जगह है, दोनों बनाइए, पब्लिक नहीं मान रही। नहीं नहीं नहीं, बड़ा था, आप छोटा कर दिया, शौचालय ही रहने दो, ये बड़ा था छोटा हो गया, अभी हट ही रहा है, पब्लिक जाएगी कहाँ पे, वो लोग पहाड़ पे रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो कम इंसान है और हम ज्यादा इंसान है, वो भी इंसान है ना। सर यहाँ से निकल के आप ऊपर की तरफ देख लीजिए, आबादी कितनी, जो पत्रे डाल के रह रहे हैं उन लोगों के पास तो प्राइवेट टॉयलेट है नहीं, ठीक है, अभी यहाँ है, इनके पास है, इन लोगों के पास है, लेकिन इनको भी कल जरूरत पड़ सकती है ना टॉयलेट की, तो मैं उसी तो मैं सोल्यूशन निकाल रहा था कि मैं साइड में बना के देता हूँ। लेकिन गलती यही हुई है ना सर, कि आपको पहले बना के देना चाहिए था, उसके बाद तोड़ना चाहिए था, गलती तो यही हुई है, गलती हो गई है, वही मैं बोल रही हूँ। उसका क्या सोल्यूशन है दिया ना, रिपेयर करो, एक बोल रहा है रिपेयर करो, एक बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, आप रिपेयर करवा दो सर, ठीक है, चलिए आप रिक्वेस्ट है, आप रिपेयर कराएंगे। हाँ जरूर करा रहे, जरूर कराएंगे, खुश हो जाओ आप लोग, ठीक है, थैंक यू। अरे थैंक यू तो बोलो, थैंक यू बोलो, हाँ बस ठीक है। चलो अंजुम सर फोन कर दिया आपको, बात करते हैं। अब देखेंगे, ये चरनी पाड़ा इलाका है अनवर कंपाउंड का, यहाँ पर देखेंगे नाला है, ये नाला है बड़ा सा, और इसके दोनों साइड ये नाला सामने है, और ये शौचालय था जो तोड़ दिया गया था, और इसी को लेकर यहाँ पर काफ़ी हंगामा मचा। मुस्लिम लीग के जो फरहा शेख है, उनके पिता हैं, वो सब यहाँ पर आए हुए हैं, और मनपा अधिकारी भी यहाँ पर आए थे, जिनका नाम अंजुम बताया जा रहा है, वो भी आए थे, और बात करेंगे उन लोगों से कि आखिर क्या बातचीत हुई उनसे, दोबारा बनाने के लिए कहा गया है, दिया गया है, क्या बातचीत हुई है। हर जगह इसी को
उसके लिए भी करेंगे ना सर, जमीन निकालना। डॉक्टर इस पर बैठे हुए और मेरे पीछे पड़े हुए, एक महीने हमको चालू करने का करके दो। नहीं नहीं वो भी करेंगे, दोनों करेंगे। क्या करो, रेड भी चाहिए अपने, ये भी चाहिए, ऊपर आप जला दो, ऐसा कुछ करो। ऊपर ऊपर फ्लोर चढ़ाओ ना, गटर के पास बैठ सकते हैं। आपको मैं यहाँ की सच्चाई बताती हूँ, तो डालेंगे ही लोग। जो एमएमएलई हॉस्पिटल है सर, वहाँ पर अभी बीच में दो गायनेकोलॉजिस्ट को रखा गया था, वो लोगों ने अपना ट्रांसफर करवा लिया क्योंकि हमको यहाँ नहीं आना है। तो तुमको लगता है कि यहाँ पर आएंगे? बोलो कितने दिन चलेगा ये हॉस्पिटल, ये जो क्लिनिक आप डाल रहे, कितना दिन चलेगा? मैं भी देखती हूँ और मैं ये भी देखती हूँ कि कितने बराबर डॉक्टर आके बैठते हैं। और बाहर इतनी जगह है। नहीं 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 सर, बेस्ट जगह है, आप कहीं भी डाल सकते हैं। नहीं सर, फिलहाल के लिए उसको आप रिपेयर करवा। बाहर कितनी जगह है, सर्वे कीजिए ना। जगह पर नहीं बनाना, बने बनाए स्ट्रक्चर के अंदर ही मॉडिफिकेशन करके बनाना, इसके लिए जगह लेकिन ना मॉडिफाई करके बनाना। लोग बीमार साल में एक बार बढ़ते हैं, लेकिन जरूरत चार बार होती है यहाँ पे जाने की, टॉयलेट की। चलिए सिग्नेचर लाने का काम मेरा है। अगर 200 फैमिली बोलती है कि हमको यहाँ पर टॉयलेट चाहिए, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, अगर 100 लोग बोलते हैं हमको चाहिए, 25 लोग बोलते नहीं चाहिए, तो हमको चाहिए वालों का साथ देना पड़ेगा। यही आपका स्टेटमेंट था। अब मैं ये बोल रही हूँ सर कि मैं 200 फैमिली के साथ सर्वे करती हूँ, उनकी सिग्नेचर मैं लेकर आती हूँ विद आधार कार्ड या जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको चाहिए मैं लेकर आती हूँ। ये बताओ जरा सिग्नेचर का पता जरा। आप जाके वो बिल्डिंग में पूछोगे, वो बिल्डिंग में उधर उधर पूछोगे कि भाई आपको दवा खाना चाहिए, तो वो तो बोलेंगे हमको दवा खाना चाहिए। क्यों? उनके घर में तो बाथरूम है, उनको क्या जरूरत है? अब जो इधर 200 घर है इधर वो पहाड़ पे, अब उनको जाके तुम पूछो, अगर एक ने बोल देना तो आप बना देना आके, एक ने भी अगर बोल देगा हमको दवा खाना चाहिए तो आप आके, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आप बना लेना इधर। हाँ, मैं भी होमवर्क करूंगी, जब मैंने बोला है ना, अब यहाँ पर जाके लोगों की साइन वगैरह मैं लेकर आती हूँ। सर आपको कोई मसला है ना, आप खुद डायरेक्ट जाके पूरा सर्वे करके आइए। कितने ये मेरी जिम्मेदारी है फिर यहाँ पर लोगों की सिग्नेचर लेने की। फिर ठीक है, क्या चाहिए? नहीं ठीक है, आप लोगों के पास भी रिकॉर्ड है ना कि इतने लोगों ने बोला कि भाई नहीं आया, तो आपके बोलने के हिसाब से इसके अंदर ही चालू करो। हाँ। या आप जैसा मैं बता रहा हूँ, इसमें मैं हॉस्पिटल चालू करता हूँ, साइड में आपको नया टॉयलेट चार बना के देता हूँ। मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, डॉक्टर्स बैठेंगे नहीं यहाँ पर, बोलेंगे यहाँ पर बदबू आ रही है, यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है। डॉक्टर साहब सर मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ यहाँ की। अरे डॉक्टर मैडम, जितने डॉक्टर सही लगी, दिल्ली में पोर्टेबल जो मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह है, तो वो पोर्टेबल तो वैसा क्लिनिक भी बन सकता है सर, अगर चाहे तो हम लोग। हाँ, वो कैबिन में पत्रे डाल के, वैसे पत्रे डाल के कैबिन बना के। किसी और की जगह पे जब वो बन रहा है तो किसी की भी जगह पे वो भी बन सकता है सर, इसकी जगह है ना, ये अनवर भाई की जगह है, फिर वही प्रॉब्लम आएगा। नहीं, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोगों को टॉयलेट का कोई बंदोबस्त किया नहीं गया, जो आपने बोला कि गलती हुई है। और दूसरी बात ये भी है कि जहाँ पर लोगों का इलाज किया जाएगा वहाँ पर काफी गंदा जगह है, वो नाला बह रहा है। नहीं, तुम एक मिनट, तुम नहीं थे अब्बा, मैं बताती हूँ, बात ये हुई है। हाँ, मेरे डैडी है वो। अच्छा। मैं ये बताती हूँ, पूरा परिवार नहीं थे ना? नहीं, मुझे नहीं पता इनका पूरा परिवार, तो मुझे परिवार नहीं, तीन लोग है परिवार के, बाकी सब जो एक्सटेंडेड फैमिली है, ये एक्सटेंडेड फैमिली है, ये मुस्लिम लीग की फैमिली है, ये मुस्लिम लीग की फैमिली है। सुन लिए, आपको जवाब चाहिए आगे? मेरा कहने का मतलब कि मुस्लिम लीग के अंदर ऐसा होता है कि मुस्लिम लीग की फैमिली यानी तुम नहीं थे। अभी बात ये हुई है कि जिन भी लोगों को वॉशरूम चाहिए उनकी सिग्नेचर ला के देने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, दो ऑप्शन है, आप जो बोल रहे हैं कि इसमें टॉयलेट बना के दो, जो कितने लोग मान रहे हैं कि इसमें टॉयलेट बना। दूसरा मेरा ऑप्शन है कि मैं तो ये डॉक्टर को जगह पसंद है या हॉस्पिटल यहाँ चलेगा, उनकी उनसे हम लोग उनको दिखा के ये काम शुरू करें, मैं साइड में चार टॉयलेट नए बना के देता हूँ और इसमें हॉस्पिटल चालू करता हूँ, जैसा मेरा प्लानिंग है वो हिसाब से। उसके लिए कितने लोग तैयार हैं ये मुझे खाली आप बता के। ठीक है, तो चलिए दो कॉलम बना के हम लोग यहाँ के लोगों से चर्चा करते हैं इस बारे में। अभी जो हम लोग आए थे ना, और सब ने एकदम सख्ती से मना के, गोसावी साहब से बात हो गई, उनको दूसरी जगह दिखा दिए, आप एक बार उनसे बात कर लो। मेरी अभी भी गोसावी साहब से बात हुई है, यहाँ पे कोई क्लिनिक वगैरह नहीं बनेगा साहब ने। लेकिन गोसावी साहब को मालूम था तो यहाँ पे क्यों? हाँ, नहीं तो जिस दिन गोसावी साहब ने सर्वे किया था, नहीं नहीं वो बाद में, वो पहले व्हाट्सएप आ गया पब्लिक पब्लिक ने आपको जो है वीडियो वगैरह सब बना के भेजा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ। चलो ठीक है, चलो शुक्रिया।
क्या बातचीत क्या हुई है ये? नहीं तो उसके तो बहुत ले गए, हिसाब किताब बाकी है। जो मनपा अधिकारी थे वो यहाँ पर आए थे, क्या बातचीत हुई? जैसे शौचालय है बहरहाल तोड़ा गया है, एक दो फिर स्थानीय लोगों ने साफ सफाई करके चालू कराए, लेकिन ये नाला देख रहे हैं आप पे, बड़ा सा नाला है, कोई खिलाफ नहीं है, बने दवाखाना भी बने उपचार हो, लेकिन जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि दवाखाना भी रहेगा और दवाखाना से लगकर ही जो है बाथरूम भी बनाया जाएगा वो भी सार्वजनिक, तो ये कैसे पॉसिबल है? गंदगी बदबू और ऊपर से दवाखाना और इतनी गंदगी यहाँ पर है, तो जो डॉक्टर इधर बैठेंगे इलाज कर ले उनको खुद इलाज की जरूरत पड़ जाएगी। की सच्चाई बताइए, अभी कुछ देर पहले मैंने उनको क्या बोला, एक तो नाला खुला ऊपर से इतना कचरा, आप बोल रहे हो कि डॉक्टर्स यहाँ बैठेंगे प्लस सार्वजनिक टॉयलेट रहेगा, इतना पॉश एमएम वैली और डॉक्टरों को भी ये जगह पसंद आई, ये मेरे लिए अचंभित वाली बात है। अब मैं आपको बता दूं एमएम वैली में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जो गायनेकोलॉजिस्ट आई थी अपॉइंट किए गई थी वो लोगों ने अपना ट्रांसफर करवा दिया, सोचो वो पॉश एरिया में लोग नहीं रहना पसंद कर रहे तो इस एरिया में आएंगे डॉक्टर्स, इस एरिया में आएंगे तो ये जो है वो किसी तरीके की साजिश क्या कहा उन्होंने कुछ साइन वगैरह ले। हाँ अभी हम लोग यहाँ पर जैसे दो कैटेगरी है, कैमरा मैन से दिखाने के लिए कहूँगा कि इस साइड पे जहाँ शौचालय इस तरफ पे बिल्डिंगें हैं पूरी और इस तरफ ये इस तरफ पे ये पूरा बस्तियां वगैरह झोपड़ पट्टी है, यहाँ पर इस तरफ दिखाओ पूरा ये पूरा जो है झोपड़ पट्टी इलाका है, तो ज्यादा जरूरत जो है ज्यादा वो शौचालय के इन झोपड़ पट्टी वालों की है। अब यहाँ पर सिग्नेचर करने की बात आ रही है, तो सिग्नेचर जो है वो किस तरफ वालों से कराया जाएगा, इमारत में रहने वालों से कराया जाएगा या वहाँ से? फिर ऐसा होगा कि देखिए क्लिनिक की मांग ज्यादा हो रही है। नहीं नहीं, जो इसको इस्तेमाल करते थे वो लोग तो बिल्कुल हमको साइन देंगे अपनी, तो हम लोगों ने सोचा है खेल करने वाले खेल भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं वहाँ करा सकते हैं। हाँ पूछा इन लोगों से, इससे पहले जो हुआ ना ऑब्जेक्शन हम लोगों ने उठाया था यहाँ पर आकर के, जब हमको यहाँ से कॉल आया बुलाया गया तो हम लोगों ने यहाँ पर आके उस चीज़ का विरोध किया, तो इंशाल्लाह ताला साइन लेने की जिम्मेदारी भी हमारी और सर्वे करने की भी जिम्मेदारी हमारी। क्या बोल रहे मालूम है, ऐसा वो लोग कर सकते कि इनसे पूछ के यहाँ पे क्लिनिक बनाते, लेकिन ऐसा ही हुआ है, पूछा उनसे गया जिनको जरूरत नहीं है और क्लिनिक बनाने की तैयारी हो गई। ऐसे होना ये चाहिए था कि पहले उनसे पूछना चाहिए था कि आपका कोई अल्टरनेटिव बंदोबस्त है या नहीं है, क्योंकि ये शौचालय जो था ये यहाँ के लोग इस्तेमाल करते थे, जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं जो पीछे जो बेचारे पहाड़ के तरफ में जो पत्थरे बांध करके बेचारे गरीब रह रहे उनकी ज्यादा करके महिला और बच्चे हैं यहाँ पे तादाद में, तो अगर इनका कहना था जैसे इंजीनियर साहब ने कहा कि यहाँ पे ज्यादा करके चरसी गर्दुल्ले लोग आके बैठते रात में, माहौल देखोगे ज्यादा तो पहाड़ों पे आके, अगर कल हम लोगों ने अब औरतों से यहाँ पे बात की, हम लोग कल परसों भी यहाँ दो बार आकर जा चुके हैं, हम लोगों ने यहाँ पे जब आके औरतों से और लोगों से यहाँ बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग जब यहाँ पर पहाड़ की तरफ अगर बाथरूम करने अगर जाते तो वहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे हम लोग गंदी नज़र से देखते हैं, तो यहाँ पर औरतों की इज्जत का मसला है, यहाँ पे बच्चे भी हैं और औरतें महिलाएं ज्यादा है यहाँ पे, तो ये खतरे से खाली नहीं है, तो सबसे अच्छा सलूशन ये है ना यहाँ पर दो गली छोड़ के किसी एक्सपर्ट का बंगला है, अपने अपने बच्चों को बिठाओ वहाँ पर टॉयलेट करने के लिए, तब उनको मालूम पड़ेगा। आप साइन लेकर कब जाने वाली है? हम लोगों को दो तीन दिन के लिए टाइम दिया है, बोला आप दो तीन दिन बात करो यहाँ पर और हम यहाँ पर आएंगे, लोगों से बात भी करेंगे, उनके सिग्नेचर भी लेंगे, हम उन लोगों की सिग्नेचर उनसे बात करेंगे जो ये टॉयलेट यूज करते थे। देखिए टीम तो हमारी अभी से लग जाएगी, हमको एक दो दिन का जो टाइम मिला है इंशाल्लाह टीम हमारी अभी से लग जाएगी, इसके पीछे सर्वे करके जिन लोगों से साइन लेना है जिनसे मुलाकातें करनी है लोगों से इस मोहल्ले में पूरे कर लेंगे इंशाल्लाह, दो तीन दिन प्रोसेस अभी तुरंत ही करेंगे। तो आपने सुना कि जो मनपा अधिकारी आए थे उनका कहना है कि सिग्नेचर करा कर दीजिए किसकी मांग ज़्यादा है, शौचालय की या फिर क्लिनिक की, लेकिन लोग ऐसा सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से गंदगी आप देख रहे हैं, नाला है यहाँ पर कचरा फेंका जाता है, और जैसे मनपा अधिकारी कह रहे थे कि डॉक्टर को यही जगह पसंद आई है, ये शौचालय की जगह जो है बता रहे डॉक्टर को पसंद आई कि यहाँ पर क्लिनिक खोला जाए, ये पूरा नाला यहाँ पर बह रहा है और काफ़ी गंदगी है। चलो मान लेते हैं अगर साफ़ सफाई करके, क्लिनिक भी ज़रूरत है बनाना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से गंदगी है बदबू जो आती है तो यहाँ पर कैसे क्लिनिक चलाया जाएगा? सामने ही नाला खुला पड़ा है, यहाँ से बदबू आ रही है और सामने बताओ यहाँ क्लिनिक खोल देंगे, और बताया जा रहा है कि क्लिनिक खोलने के बाद जो है यहाँ पर चार पांच बाथरूम भी साइड से लगकर बना कर दिया जाएगा, तो सार्वजनिक शौचालय रहेगा उसमें लोग शौच करने आएंगे और यहाँ बगल में क्लिनिक भी रहेगा,
तो इससे तो फिर जो क्लिनिक में डॉक्टर रहेंगे वो भी बीमार पड़ जाएंगे, अनुमान तो यही लग रहा है जिस हिसाब से बताया जा रहा है। लेकिन लोगों की ज़रूरत है, क्लिनिक भी होना चाहिए, उसके लिए भी कहीं ना कहीं बंदोबस्त करके क्लिनिक भी, अगर ज़रूरत है, लोगों की मांग है वाकई में, तो क्लिनिक भी खोलना चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरत अभी इस वक्त जो है वो लोगों के लिए शौचालय की है, और शौचालय जो है बनाकर देना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ के वो पहाड़ों पर जा रहे हैं और ये खतरे से खाली नहीं है।